That's good. We are seeing, hopefully, Sheikh Uthman ibn Farooq is walking towards us. He has seen me, he is coming, and we need his just 5 minutes. Please move the camera towards him. Sheikh Uthman ibn Farooq is coming. That's great. Sheikh Uthman ibn Farooq, welcome. Bakhair Ragle. Khushamdeed. Bukhtoye. Khushamdeed. Brother, how are you? Alhamdulillah, I'm good. How are you? I am very good. And I need just your 5 to 10 minutes. If you don't mind. Sure, listen. If you don't mind, just 5 minutes. Oh, you asked me a question. Let me answer. Yes. You have put challenge to the whole world. Yes. Whether there is error in Quran sure. or not. Sure. And if there is error, mm-hmm. you are going to leave Islam. Excellent. Okay. So I want to know what is error for you? I'll tell you. What is the definition of error for you? I got you. I will answer. You relax. Oh, I'm relaxed, brother. Okay, good. We have a da'wah today on Sunday. Because right now there are people waiting for me to go to lunch. You didn't make a time. You didn't. I don't have a stand here or something, right? No problem. So I'll tell you. No problem. On Sunday. Brother, just 5 minutes. Let me listen. Just 5 minutes. Okay, are you listening? You know. Are you listening? Yasir Qadhi said. Okay. It's not easy. Yes and no. Okay. I cannot write Musaf on black. Okay. I'm not telling you to write the whole Quran. Again. I'm not telling you to write the whole chapter. Sure. I want you to write here. Just one Quranic verse. Okay. Quran 3:146. Okay. Quran 3:146 from the verse Quran. No, brother, no lame excuse. No excuse. Koi hila bana nahi. Koi hila bana nahi. Koi hila bana nahi. Na aapne bhagna hai, na aapne aapko kahin jaane dena hai. Sirf aap is pe Quran ki ayat likh denge, to agar usme galti hui, to aap Islam chhod denge, aur agar usme galti na hui, तो फिर आप सच्चे ठीक ये अब मेरी बात पेपर आपके सामने है बात सुने, बात, मैं बात, बहुत रिस्पेक्टफुली उसको रखूंगा रिस्पेक्टफुली यहाँ पर कुरान 3:146 अरबी में लिख दें उसकी ट्रांसलेशन लिख दें हफ्स में से और वर्ष में से ठीक है अगर उसमें मिस्टेक हुई एरर हुआ कॉन्ट्रडिक्शन हुई तो आप इस्लाम छोड़ देंगे अपना वादा पूरा करेंगे अब देखें देखें मैं बहुत लंबी ड्राइव करके यहाँ पे आया हूँ बात सुन रहे हैं ना मुझे बोलने दे रहे हैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता ऐसे नहीं होता नहीं ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता बात कुरान की आयत देखें ना मैं आपको पूरा कुरान कह रहा हूँ ना पूरी सूरत कह रहा हूँ एक कुरान की आयत देखें आपके वादा पूरा करना देखें इसके बाद आज का आपका हल्का शरीफ आप देखें ना आज आपका हल्का शरीफ भी हराम हो जाएगा ना मुझे बोलने दे आपका हल्का शरीफ हराम हो जाएगा इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता नहीं 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 आप देखें आप बात सुने आप समझते क्या मुझ पर कुछ जोर करेंगे या मैं आपसे डरता हूँ या आप आके मैंने ऐसी कोई बात नहीं आप देखें मैं आपका पाकिस्तानी भाई हूँ आप मेरे भाई नहीं आपका पाकिस्तानी भाई नहीं हूँ आप मेरे भाई आप देखिए आप हीला बहाना आप बना रहे हैं भाई नहीं है ना मैं कोई बहाना बना रहा हूँ आप मेरी बात सुने इसका मतलब आप मुझे कादी बोलने नहीं दे रहे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ऐसे गुफ्तगू नहीं होती सिर्फ आप मेरे कोई बॉस नहीं है कि आप मुझे आके हुक्म करें ये लिखो वो लिखो नहीं नहीं बात सुने आप बात सुने अब आप सब लोग देख रहे आप इंग्लिश में मुस्तिल बंदा ये मुझे बोलने नहीं दे रहे एक्सक्यूज इंग्लिश में कहते हैं मैंने कोई बहाना नहीं बनाया मैंने कोई बहाना नहीं ये सिर्फ एक आयत लिखने से भाग रहे हैं मैं जो मर्जी आयत लिखूंगा जो मर्जी है मैं बिल्कुल वादा नहीं तोड़ता ये मेरा कोई बॉस नहीं है कि मुझे क्या कहा इधर ये लिखो ठीक है से चल के बाहर आए हैं बिल्कुल इस बहन ने मुझे कहा किसी का कोई सवाल था आप इससे एग्री करते हैं सवाल नहीं है यासर कादी की कोटेशन से एग्री करते हैं जब आप मुझे बोलने नहीं देंगे ना आप लोग सब देखें आप इस बात से एग्री करते हैं यासर कादी से जब बोल नहीं सकता मैं बुजदल नहीं हूँ की कोई जरूरत ना मैं बुजदल हूँ ना मेरे गजवा ओहद में दांत टूटे हैं मैं बुजदल नहीं हूँ आपने लगता है आज नस्वार की फक्की नहीं सुबह खाई अगर आपने नस्वार की फक्की खाई होती आप चैलेंज में हार गए हैं आप इस्लाम से खारिज हैं आपको आज के बाद मुर्तिद और खारिज पुकारा जाएगा क्योंकि आप इस्लाम से खारिज हो चुके हुए हैं आप कुरान पूरा क्या एक सूरत पूरी क्या एक आप आयत नहीं लिख सके आप इस्लाम से खारिज हैं
देखें जी, शेख उस्मान इब्न फारूक, अभी आपके सामने आपने देखा है, यासर कादी कहता मैं पूरा कुरान ब्लैक मुसहफ पे नहीं लिख सकता। जब मोहम्मद हिजाब ने उससे कहा, मैंने इसे कहा पूरा कुरान नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, एक आयत लिख के दिखा दे और हम देखेंगे, अगर उसमें गलती आए तो तू अपना वादा पूरा करेगा इस्लाम को छोड़ने का। और आपने देखा है कैसे वो गीदड़ की तरह, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो कहां भागता है, शहर की तरफ। भीगी बिल्ली छुपी हुई, उसे बिल से बाहर निकाला, चूहा बिल में छुपा हुआ उसने बाहर निकाला। उसका हीला बहाना सुने, बुजदिल, मैं बुजदिल होता तो ऐसे आता, मैं बुजदिल होता तो पुलिस वालों को यहां पे उनसे बात करता, मैं बुजदिल होता तो इतना बड़ा बैनर लेके आता, मैं बुजदिल होता तो ये मैं किताबें लेके आता। बुजदिल ये है, आपने देख लिया इसकी असलियत। और ये वीडियो सबूत है कि शेख उस्मान इब्ने फारूक इस्लाम से खारिज है। शेख उस्मान इब्ने फारूक की मस्जिद के सामने मैं ये ऐलान करके जा रहा हूं, इसका चैलेंज खत्म हो गया है, इसका कैरियर एंड हो गया है, इसे लंडी कोतल जाकर नस्वार बेचनी चाहिए। इसके बाद इसके पास कोई बहाना नहीं था, एक आयत नहीं ये लिख सका कुरान की अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, क्योंकि उस कुरान की आयत में गलती थी, कॉन्कॉक्शन थी, फैब्रिकेशन थी, कॉन्ट्राडिक्शन थी। देखे शेख उस्मान इब्ने फारूक गाड़ी पर भाग रहा है, रिकॉर्ड करें इसको, शेख उस्मान इब्ने फारूक की दौड़, शेख उस्मान इब्ने फारूक की दौड़ आपने देखी है कि पार्किंग लॉट से गाड़ी निकाली है और शूट मारी है, जैसे कोई कार की उसके पीछे कोई लगी हुई है पुलिस। ले जी, ये है शेख उस्मान इब्ने फारूक का हाल। शेख उस्मान इब्ने फारूक इज खलास, खलनायक, गेम इज ओवर।